हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निक एकेडमी में आप लोग का बहुत ही स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अपने यूएसबी या पेन ड्राइव को बूटेबल क्रिएट या बना कैसे सकते हैं, चाहे वो विंडोज 7 हो या 8 हो या 10 हो। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेक श्योर कि आप लोग का जो पेन ड्राइव या यूएसबी है वो 4 GB से ऊपर होना चाहिए, 16 GB हो सकता है, 8 GB हो सकता है। सबसे पहले पेन ड्राइव को लगाते हैं। पेन ड्राइव लगाने के बाद सबसे पहले आप लोग को जाना पड़ेगा ब्राउजर में। जाने के बाद आप लोग को देख सकते हैं फर्स्ट वाला आप लोग ओपन करना है, टाइप करना है RUGS। देख सकते हैं साइट खुल गया है। सबसे पहले वाले साइट पर आप लोग को क्लिक करना है। यहाँ से आप लोग को ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा बूटेबल करने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे 3.14 वर्जन का है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही स्मॉल फाइल है, 1 MB का है। यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। अगर ये आपको डाउनलोड करना है, मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इस फाइल को। मैं कट करता हूँ यहाँ से। सबसे पहले अपने पेन ड्राइव को या यूएसबी को फॉर्मेट कर लें। देख सकते हैं मैं पेन ड्राइव फॉर्मेट होता है। चलते हैं सॉफ्टवेयर को जब मैं डाउनलोड किया, देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन डाउनलोड किया है। इसको ओपन करना है। ये इंस्टॉल होने के लिए नहीं चाहिए, डायरेक्ट एप्लीकेशन ओपन होने के लिए। ओपन होने के बाद आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको विंडोज में इंस्टॉल करना है एंड टेबल बनाना है। मेरे पास विंडोज 7 का 100 फाइल है, क्लिक करूँगा। अब देख सकते हैं रेडी हो चुका है। मेक श्योर कि यहाँ पे आप लोग जो ये देख सकते हैं टारगेट सिस्टम है, ये बायस यहाँ पर लिख रहा होना चाहिए। और यहाँ से भी आप स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, ये आपका बूटेबल क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे 64% कॉपी हो चुका है। थोड़ा टाइम लगता है, 5 या 10 मिनट लग गया है वीडियो बनाने में। देख सकते हैं गाइस नेटवर्क फेल हो चुका है, काम मुश्किल होने वाला है।
जाता है वो लेवल बना लो उसको, क्योंकि अपने अंदर टाइम कम डाउन कर रहा है, लाइन में कर चुका है। देख सकते हैं ये रेडी है वीडियो बनाने के लिए, लेकिन चेक करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग ये इंस्टॉल होने के लिए रेडी है उनका विंडोज 7। एक टेबल बन चुका है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करें। इसी तरह की मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। चलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।